भारत का चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है और वोट जुगाड़ने का एक और तरीका, एक और प्रक्रिया शुरू हो गई है भाजपा की। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो 48 घंटे के मौन पर चले गए हैं, मगर समानांतर तौर पर ये शख्स राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहा है, सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि अब हम आखिरी चरण की तरफ आ गए हैं, 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम्स पर, यानी कि जहां जहां ईवीएम रखे गए हैं, उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री मौन पर चले गए हैं और पूरा मीडिया उस पर निगाह रखे हुए है। दोस्तों, उसका लगातार 24 घंटे कवरेज शुरू हो गया है, मगर कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि इस 48 घंटे के मौन के चलते आम लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री, आखिर आपको मौन रखना है तो रखना है, मगर कैमरास की क्या जरूरत है? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं बगैर कैमरे के कर ही नहीं सकते? तेजस्वी यादव जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं वो बहुत वाजिब है। दोस्तों आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, और हम तो रिक्वेस्ट ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में, तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? तेजस्वी जी जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी, अब देखिए, अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाए? हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद, कुछ करना तो है नहीं उस चुनाव आयोग को। चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए, चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई, दिखाना क्यों है? दिखावटी बनावटी मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे, हरा जाएंगे, अचार को ओके बाय बाय। अब गांधी जी भी याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दौर का चुनाव प्रचार है, भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में वोटरों को भी निकलना है, क्या कहेंगे? अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए, उसमें देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है, क्योंकि कांग्रेस जानती है एक तरफ ईवीएम्स जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कब्जे में रहने वाले हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने चुनावों के दौरान जिन पर पक्षपात का आरोप भी लगा था। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंतिम मौके तक हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत को लेकर, मगर सुनिए राहुल गांधी किस तरह से चेतावनी देते हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। नमस्कार, कैंपेन खत्म हुआ, मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना समर्थन दिया आप सबने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए, लास्ट मिनट तक आपकी आँख पोलिंग बूथ पर
ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत जो है वो अपना लिया है। हालांकि दो तस्वीरें उनके सामने मुंह बाहे खड़ी हैं। जिस बृजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप था, अब उनके बेटे जो कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काफिले पर आरोप लगा है दो मासूमों को रौंदने का, मगर प्रधानमंत्री मौन व्रत में है। प्रज्वल रवन्ना, वो आदमी जिसने कथित तौर पर सैकड़ों लड़कियों के साथ, औरतों के साथ दुष्कर्म किया था, जिनमें एक 67 साल की औरत भी थी, वो वापस आ गया है। जी हां, और इसे हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री को इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए। मगर हां, प्रधानमंत्री को मौन व्रत लेना भी बहुत जरूरी था। क्यों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वह मोदी जी का एम मौन व्रत, मछुआरे अपने काम पर नहीं जा सकते। जिन पर्यटकों ने कन्याकुमारी आने के लिए हजारों पैसे खर्च किए, उन्हें परिसर में प्रवेश न करने के लिए कहा गया है। लोगों के लिए भारी पाबंदियां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद, ये सब सिर्फ एमजी के एम व्रत के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत के लिए। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। मगर हां प्रधानमंत्री, आपने मौन व्रत किया, यह स्वागत योग्य है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार के स्तर को इस कदर गिराने का काम नहीं किया था जिस तरह से आपने किया था। प्रधानमंत्री, आपने शुरुआत की जब आपने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताया। मगर जब किसी पापा की परी ने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा था, ये बात तो मैं गरीबों के लिए कह रहा था। और फिर अगले ही दिन आप फिर हिंदू मुस्लिम करने लग गए। प्रधानमंत्री, आपने यह भी कहा कि आपके मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, आपके दो भैंसों में से एक जो है वो दे दिए जाएंगे ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को। प्रधानमंत्री, आपने क्या क्या नहीं कहा, आपने मुजरे तक का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं वेब सीरीज में हीरा मंडी दिखाई जा रही है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप चुनावी स्तर को इस कदर गिराएं। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री कि आप मौन व्रत रखें। प्रधानमंत्री, आपने यह भी कहा कि 1982 से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री, आपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो इकोसिस्टम गोदी मीडिया के पत्रकारों पर दबाव डालता है कठोर सवाल पूछने के लिए, आप उस इकोसिस्टम का इलाज कर देंगे। यानी कि आपकी सरकार से सवाल पूछने वाले अभिसार शर्मा और रवीश कुमार की आवाज को दबा दीजिएगा। खुलकर आप एक मंच पर यह धमकी दे रहे थे, आप लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे। और फिर आपका यह ताजा बयान जो कल आपने उड़ीसा में दिया, आपने यह कहा कि अगर मेरी जबान खुल गई तो मैं तुम्हारी सातों पीढ़ियों को एक्सपोज कर दूंगा। यह कैसा बयान था प्रधानमंत्री, सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब यह समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी सात पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। यानी हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री का जो भाषा का स्तर था वो लगातार गिरता गया। इसलिए बहुत जरूरी था मौन व्रत। मगर इस मौन व्रत का तमाशा तो मत बनाइए। 3000 जवान तैनात, मछली पकड़ने पर पाबंदी, जिन लोगों के होटल्स हैं उन्हें अब विंडो बुकिंग नहीं मिल रही है, और तो और इसकी तैयारी आज से नहीं पिछले 2 महीनों से चल रही है। जी हां, इस वक्त सोशल मीडिया में कई पत्रकार जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि विवेकानंद रॉक को पिछले कुछ अरसे से सजाया जा रहा था। इसका अर्थ ये कि ये कार्यक्रम पहले से ही तय था। आप ध्यान कीजिए प्रधानमंत्री, एक जमाने में जब आप अपनी स्वर्गीय मां से मिलने जाया करते थे वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मार्मिक था। मगर यह सब कैमरे के लिए नहीं हो सकता। मैं जानता हूं आप कैमरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आपके और कैमरे के बीच में अगर कोई आता है तो आप उसे हटा देते हैं, और इसकी ढेरों मिसालें हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि आपके और हमारे जो विश्वास का मुद्दा है, आध्यात्म का मुद्दा है, उसका भी इस्तेमाल आप कैमरे के लिए करें। वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है।
और उससे भी ज्यादा शॉकिंग है चुनाव आयोग का रवैया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपील दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि टेलीविजन चैनल्स पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पहले जून को आखिरी चरण के मतदान होने और पूरे दिन प्रधानमंत्री को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आज से 5 साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया था, और इस तस्वीर का भाजपा को बंपर फायदा मिला था। प्रधानमंत्री और भाजपा एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। और सबसे शॉकिंग बात, इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम शिकायत करेंगे। बड़ा प्रश्न ये कि आखिर ध्यान को, जो हमारे विश्वास का मुद्दा है, हमारे आध्यात्म का मुद्दा है, उसकी इस तरह से नुमाइश होगी? यानी कि हर चीज की नुमाइश होगी, धर्म की भी नुमाइश होगी, सांस्कृतिक और सांवैधानिक मान्यताओं की भी नुमाइश होगी। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे प्रधानमंत्री बख्शेंगे, या कोई ऐसी चीज है जिसे भाजपा बख्शेगी? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कैमरा का फोकस प्रधानमंत्री पर। नए संसद भवन का उद्घाटन, कैमरा फोकस महाराजा मोदी पर। और महाराजा मोदी मेरे शब्द नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। तो बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है, क्या करें दोस्तों, भाजपा की यह भूख है जो मिटती नहीं, क्योंकि अब की बार 400 पार भी तो करना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।